आजकल इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है कि पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमें इन पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ रही है, चाहे इंडोर प्लांट्स हो चाहे आउटडोर प्लांट्स हो, इनको बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमें इन पौधों में हर रोज़ पानी देना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा पीस लिली प्लांट दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये पौधा अब तक तो हेल्दी है और इसमें एक फ्लावर भी खिलने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पीस लिली प्लांट की किस प्रकार देखभाल की जाती है। इस प्लांट को इंडोर रखा जाता है। इंडोर भी ऐसी लोकेशन में रखा जाता है जहां पे फिल्टर्ड सनलाइट ज़रूर आती हो। यदि फिल्टर्ड सनलाइट इनके पौधों पर नहीं गिरेगी तो ये पौधे सूख जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके पत्ते जो हैं वो ब्राउन होने लगे हैं, क्योंकि मैं इनको थोड़ी सनलाइट में रख देता हूँ। यदि इन प्लांट्स को मैं टोटली इंडोर रख दूँ तो फिर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप देखिए, ये इसके पत्ते जो हैं वो जल गए हैं और अधिक धूप और गर्मी की वजह से ये सब ऐसा हुआ है। आजकल 40 से 45 डिग्री तापमान हो गया है और इसे अधिक तापमान की वजह से गर्मी बढ़ने से इसके पत्ते जलने लगे हैं। इस प्लांट को खुली हवादार लोकेशन पसंद होती है। बंद लोकेशन जहां हवा का आदान प्रदान ना होता हो, उस लोकेशन में ये पौधा सूखने लगता है। इसी कारण से इसके पत्तों की टिप ब्राउन हुई है, क्योंकि मैं इस पौधे को खुली लोकेशन में रख देता हूँ। इस समय अप्रैल मई में इसमें फ्लावरिंग होती है। यदि आप इसमें फ्लावरिंग लाना चाहते हैं तो इस पौधे को ब्राइट लोकेशन में ही रखना पड़ेगा। यदि ये पौधा टोटली इंडोर रखा रहेगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। जब मैं इस प्लांट को ख़रीद कर लाया तो ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था। मैंने घर आते ही इसकी मिट्टी को चेंज कर दिया और इसकी मिट्टी मैंने वेल ड्रेन्ड बनाई। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाने के लिए मैंने सिंपल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा कोकोपीट और 40-45% रिवर्स सैंड मिक्स कर दिया था। ऐसा करने से जो भी हम इसमें पानी डालते हैं वो आसानी से ड्रेन आउट हो जाता है। पीस लिली प्लांट को इसी प्रकार की मिट्टी पसंद होती है, जो मॉइस्ट भी बनी रहे और एक्स्ट्रा पानी डालने पर आसानी से बाहर निकल जाए। अब दिन भर इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है कि इन पौधों में हर रोज़ पानी डालना पड़ता है। यदि हम एक दिन भी इनमें पानी डालना भूल जाते हैं तो ये पौधे सूखने लगते हैं। तो हर रोज़ शाम के समय ही आप इनके गमलों को पानी से भर दीजिए। आप अपने पौधों में हर रोज़ पानी तभी दे सकते हैं जब आपने अपने गमलों की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाया हो। यदि आपके गमलों की मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं होगी तो रोज़ पानी नहीं दें, नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे सूख सकते हैं। अब मई जून में आप इन पौधों में किसी भी प्रकार के खाद का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अधिक खाद डालने से मिट्टी जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधे उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वे सूखने लगते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में खाद ना डालें। पीस लिली प्लांट का सेल्फ प्रोपगेशन होता रहता है। आप देखिए, इस प्लांट के नीचे भी कई बेबी प्लांट्स निकलने लगे हैं। बरसात के मौसम में आप इन बेबी प्लांट्स को अलग करके नए नए पौधे बना सकते हैं। पीस लिली प्लांट को इसी प्रकार डिवाइड करके ही प्रोपेगेट किया जाता है। नर्सरी में ये प्लांट हमें 100 से 150 रुपये में मिलना शुरू होता है। इसलिए आप इस प्लांट के लिए बार बार पैसे ना लगाएं। आप एक प्लांट खरीद कर ले आएं और उसकी अच्छी देखभाल करें। जब एक प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके नीचे बेबी प्लांट्स निकलेंगे और आप उन बेबी प्लांट्स को बरसात के मौसम में अलग करके नए नए गमलों में लगाते जाइए। इस प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए हमें इसके पत्तों पर हर रोज़ सुबह और शाम के समय पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। अब गर्मी के मौसम में आप इस प्लांट को ठंडी हवादार लोकेशन में रखिए। अब इस समय इन पौधों को अधिक गर्मी से बचाने के लिए टोटली इंडोर शिफ्ट कर दीजिए और इंडोर एक विंडो के साइड वाली लोकेशन इन पौधों को दीजिए, जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट इन पौधों पर गिरती रहे। इस पौधे को सनलाइट भी चाहिए और ठंडी लोकेशन भी चाहिए। यदि आप इस प्रकार की लोकेशन में इसको रख पाओ तो ये पौधा बच जाएगा। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।